तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग आज के वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा अपना जो पबजी मोबाइल का ग्लोबल वर्सन है, ठीक है, उसे जो है हम किस तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे बिना वीपीएन के, गेम प्ले पूरा कर किस तरीके से कर पाओगे आप लोग, वो भी अच्छे पिंग के साथ। ये सारा प्रोसेस जो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखो ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करना काफ़ी ज़्यादा मतलब सिंपल है। मैं यहाँ पर जो है 3 या 4 स्टेप है जिससे कि ये डाउनलोड हो जाएगा, और यहाँ पर 3 से ज़्यादा तरीका है यहाँ पर डाउनलोड मैं करने का, यहाँ पर ठीक है। एक लीगल ऑथेंटिकेट तरीका बताऊँगा जिसकी वजह से आप लोगों को जो है कोई भी यहाँ पर वायरस वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है यहाँ पर जो है कई सारे वेबसाइट के अंदर भी यहाँ पर ऐप वगैरह दे देते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा कुछ अलग आइटम जो है उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका डेटा वहाँ पर लॉस होने का चांस रहता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है आप लोगों को 100% यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट से मैं आप लोगों को यहाँ पर डाउनलोड करके दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर हमारे चैनल के अंदर नए हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। रेड वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल वाले आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कीजिए, ताकि मैं जब भी इस तरीके की अपडेटेड डिटेल लाऊँ सारे नोटिफिकेशन आप लोगों तक इंस्टेंट आता रहे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर अपने मोबाइल का स्क्रीन भी शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख लेना तो किस तरीके से होता है, ठीक है। तो चलिए, तो जैसे कि आप लोगों के पास यहाँ पर, एक मिनट, तो आप लोगों के पास मेरा यहाँ पर मोबाइल का स्क्रीन आ रहा होगा, देख सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने प्ले स्टोर के अंदर चलते हैं। प्ले स्टोर पर जाने के बाद सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर पबजी मोबाइल जो अपना ग्लोबल वर्सन है सर्च करके दिखाता हूँ। हालांकि यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर मैं सर्च करके एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए फटाफट से सर्च कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक क्विक वीपीएन को इंस्टॉल कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, मैंने वीपीएन के बारे में नहीं पता था, लेकिन दोस्तों हमें लॉगिन करने के लिए यहाँ पर चाहिए, और जो है ऑफिशियल वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर वीपीएन चाहिए। तो आपको क्विक वीपीएन इंस्टॉल कर लेना है, फटाक से हो जाएगा, कोई भी यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। गेम प्ले के दौरान आप इसे बिल्कुल मत यूज करना, ये यूज़ भी नहीं होगा, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर 100% प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए मेरा फटाफट से यहाँ पर वीपीएन जो है अभी यहाँ पर लॉगिन मतलब इंस्टॉल्ड हो चुका है, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों एक सिंगल क्लिक से ये कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको क्विक वीपीएन बोल रहा हूँ, ठीक है। कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ठीक है। आपको मर्जी, आप यूज़ करो, या फिर आपके पास कोई अलग वीपीएन है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे ओपन करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर आ चुका है। तो मैं यहाँ पर हमेशा की तरह सिंगापुर सर्वर का यहाँ पर यूज करूँगा, तो मैं सिंपली यहाँ पर सिंगापुर के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए, ये रहा अपना सिंगापुर का सर्वर। तो सिंपली क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और नीचे जो यहाँ पर एरो बना हुआ है रेड मार्क का, ठीक है, तो हमें सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ फटाक से। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर क्लिक हो चुका है। तो यहाँ पर सिंपली मतलब अलाओ ऑलवेज कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर कर देते हैं। तो देखिए अपना यहाँ पर कनेक्टेड हो चुका है वीपीएन। ओके, तो वीपीएन कनेक्ट होने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर जाना है। जो भी आपका क्रोम ब्राउज़र वहाँ पर है, सिंपली उसके अंदर आप लोगों को चले जाना है। जैसे आप लोग क्रोम ब्राउज़र के अंदर जाते हो, तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, सिंपली सर्च कर लेना है यहाँ पर पबजी मोबाइल, ठीक है। इतना लिख के आप लोगों को जो है यहाँ पर सर्च कर लेना है। तो जैसे आप लोग यहाँ पर सर्च कर लेते हो पबजी मोबाइल, तो आप लोगों के आगे कुछ इस तरीके से यहाँ पर देख लीजिए वेबसाइट आएगा, जो कि pubgmobile.com बल्कि है, देख सकते हो। और ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी से ही आपको डाउनलोड करना है, आपको कहीं और से नहीं करना, वरना आपका डेटा वगैरह लॉस हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे आओगे यहाँ पर 2 वर्सन आप लोगों को दिखाई देगा, देख लीजिए। नीचे का जो है कॉम्पैक्ट वर्सन है, हमें जो फुल वर्सन चाहिए तो हमें जो है ऊपर वाला डाउनलोड करेंगे, जो कि 1.1 GB का है, ठीक है। तो सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करते हो तो आपका जो है यहाँ पर डाउनलोड का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डाउनलोड एनी वे पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए अपना यहाँ पर डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। तो मैं डिटेल्स पर क्लिक करके यहाँ पर चल के दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए अपना जो है यहाँ पर डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हो। यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर चल रहा है, सिंगापुर सर्विस से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा स्पीड से यहाँ पर डाउनलोड वगैरह भी हो रहा है, देख सकते हो। यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर वीपीएन हटाकर भी दिखाता हूँ अपना जो है डाउनलोड का स्पीड यहाँ पर रहता है या नहीं, ठीक है। तो चलिए वीपीएन पे यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कनेक्टेड है अपना सिंगापुर से, तो यहाँ पर इस क्रॉस मार्क पर क्लिक कर देते हैं। देखिए वीपीएन डिस्कनेक्ट हो चुका है। डिस्कनेक्ट होने के बाद हम जो है चलते हैं डाउनलोड के अंदर। तो देखते हैं यहाँ पर अपना डाउनलोड चल रहा है या नहीं अभी भी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अपना जो है डाउनलोड अभी भी यहाँ पर रन हो रहा है, तो कोई भी इशू नहीं है, देख सकते हो। यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है बिल्कुल सही तरीके से, ठीक है। तो डाउनलोड कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर वीपीएन मैंने डिस्कनेक्ट किया हुआ है,
तभी ये जो है डाउनलोड यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो डाउनलोड जैसे कंप्लीट होता है मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ क्या करना है। तो यहाँ पर फटाफट से इसे डाउनलोड होने देते हैं। तो देखिए यहाँ पर लगभग अपना जो है कंप्लीट होने को आ चुका है, तो मैं फिर से जो है यहाँ पर वीपीएन को कनेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हमें जो है लॉगिन करने के लिए यहाँ पर वीपीएन चाहिए, तो हमें जो है इसे कनेक्ट करना होगा सिर्फ लॉगिन करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फटाफट से वीपीएन को कनेक्ट कर लिया है। तो कनेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर चलते हैं, तो देखिए अपना यहाँ पर डाउनलोड बस खत्म ही होने वाला है। जैसे खत्म होता है तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ। आपका एक बार इस तरीके से पॉज हो सकता है, तो आपको सिंपली रिज्यूम कर लेना है और आपका आराम से रिज्यूम भी हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पर फटाक से ये देखिए अपना कंप्लीट हो चुका है। तो सिंपली करना क्या है, तो देख लीजिए यहाँ पर 100% जो है अपना फाइल यहाँ पर डाउनलोड प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है। तो इंस्टॉल करने के लिए हमें सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, जैसे कि आप हमेशा इंस्टॉल करते हो सभी ऐप को, उसी प्रकार से आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से इंस्टॉलेशन का प्रोसेस चलेगा जो भी अपना चलता है। तो दोस्तों इसके बाद जो है हम लोगों को कुछ परमिशंस वगैरह मांगेगा, तो हमें जो है वो भी अलाउ कर देना है। और इसके दौरान अगर कोई भी यहाँ पर आता है मतलब ग्लिच वगैरह, तो आप सबसे पहले अपना फ़ोन का स्टोरेज जो है चेक कर लेना, क्योंकि स्टोरेज फुल होगा तो यहाँ पर जो है दिक्कत दे सकता है आप लोगों को वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अपना इंस्टॉलेशन का प्रोसेस भी कम्प्लीट होने ही वाला है, हो चुका है। तो सिंपली यहाँ पर ओपन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर ओपन करते हैं तो देखिए अपना गेम यहाँ पर रन हो रहा है, तो ओपन होने देते हैं। ठीक है, तो मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ पर देखिए अपना यहाँ पर जो भी टर्म कंडीशन है उसे कंप्लीट कर लिया है मैंने। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ ताकि टाइम वगैरह बचे। इसके बाद दोस्तों अपडेट होगा, अपडेट होने के बाद ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। देखिए इस पेज पर जैसे आएगा तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से आपका जो भी सोशल नेटवर्क है उससे लॉगिन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर फिलहाल गूगल प्ले से यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर एग्री के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग एग्री पे यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपका जो है यहाँ पर लॉगिन का प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पर लॉगिन होने लगेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी भी वीपीएन मेरा कनेक्टेड है, क्योंकि वीपीएन कनेक्ट होगा तभी जो है यहाँ पर गेम लॉगिन होगा, वरना नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो देखिए मेरा यहाँ पर अभी चल रहा है, तो मैं थोड़ा सा इससे भी फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ ताकि टाइम वगैरह अपना बच जाए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो अपना रिसोर्स मतलब कंपाइलिंग रिसोर्स है वो वाला प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपका गेम जो है यहाँ पर आ जाएगा लॉगिन होके। ठीक है, तो देखिए मेरा यहाँ पर लॉगिन हो चुका है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, तो गेम मेरा कम्प्लीटली यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। दोस्तों अगर आप सही पिंग के साथ यहाँ पर खेलना चाहते हो, आप इंडिया से हो, तो आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर आपका जो रीजन है वो रीजन को थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा भी देता हूँ किस तरीके से। अगर आप सिंगापुर सर्वर से भी कनेक्ट करके खेलते हो, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा मतलब पिंग मिलता है आप लोगों को अगर आप वाईफाई के अंदर खेलते हो। ठीक है, अगर आप मोबाइल डेटा से खेलते हो तो आपको जो है यहाँ पर 80-85 के लगभग आपको पिंग देखने को मिल जाएगा, 70-80 के लगभग तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए मेरा कनेक्ट हो चुका है। तो मैं यहाँ पर सेटिंग पे चलता हूँ, सेटिंग पे जाकर आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो देखिए मेरे पास अभी जो पिंग दिखा रहा है यहाँ पर 192 दिखा रहा है, क्योंकि मेरा यहाँ पर अभी जो है वीपीएन कनेक्टेड है। तो मैं जो है वीपीएन को यहाँ पर मतलब डिसकनेक्ट करूँगा, फिर यहाँ पर आप लोगों को पिंग वगैरह दिखाऊँगा। तो देखिए मेरा यहाँ पर सिंगापुर कनेक्ट मतलब सर्वर है, देख सकते हो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सिंपली चलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी जो है गेम को मतलब जो भी रिसेंट से अपना फाइल्स वगैरह है सारा कुछ यहाँ से मैं हटा दूंगा। ठीक है, हटाने के बाद वीपीएन को अपना जो है उससे डिस्कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक मिनट हटा देता हूँ सभी को, वीपीएन को करते हैं डिस्कनेक्ट। एक मिनट, रोटेट है, ठीक है अब। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसे यहाँ से डिस्कनेक्ट किया, फिर यहाँ से जो है रीसेट से जो भी अपना फाइल्स है सारे फाइल्स को जो है मैं इसे हटा लेता हूँ। ठीक है, पबजी को यहाँ से हटा देते हैं। ओके, तो फिर से इसके बाद जो है वीपीएन अभी डिसकनेक्टेड है, तो मैं गेम को ओपन करता हूँ, देखते हैं यहाँ पर लॉगिन वगैरह होता है नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैंने पबजी पे क्लिक किया, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, तो यहाँ पर ओपन होने को थोड़ा सा टाइम लेगा, तो वेट करते हैं, देखते हैं आगे। तो यहाँ पर मैं तो 100% श्योर हूँ यहाँ पर जो है ये लॉगिन हो जाएगा, तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं देगा यहाँ पर। तो चलिए ओपन हो जाओ भाई। ठीक है, तो ये देखिए अपना ओपन हो रहा है, तो मैं इसे भी थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर जो है बिना वीपीएन के भी गेम काफ़ी मतलब स्मूथ, काफ़ी ज़्यादा आसान से होता है, और मैप वगैरह भी सारा कुछ यहाँ से इजीली डाउनलोड हो जाता है। तो मैं वो मैप वगैरह भी डाउनलोड करके यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊंगा। देखिए अपना यहाँ पर गेम आ चुका है, तो कंपाइलिंग रिसोर्सेज वगैरह हो रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं। तो ये देखिए, तो अपना यहाँ पर लॉगिन का फाइनली प्रोसेस कम्प्लीट होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, तो अपना यहाँ पर लॉगिन हो चुका है कम्प्लीटली।
तो देख सकते हो यहाँ पर गेम अपना ओपन हो चुका है। तो इसके अंदर दोस्तों आपको जो है सिंपली पिंग का जो इशू था, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर पिंग भी यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर चलते हैं सेटिंग पे। तो देखिए यहाँ पर पिंग अपना 104 दिखा रहा है। तो सो यहाँ पर थोड़ा टाइम रहने के बाद यहाँ पर जो है अपडेट हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा, ठीक है। तो 80-85 के अराउंड यहाँ पर मिल जाता है पिंग आराम से। आप यहाँ से रीजन वगैरह चेंज कर सकते हो। मैंने फ़िलहाल अभी अभी रीजन चेंज किया था, तो मुझे यहाँ पर दिखा रहा है 120 डेज़ के बाद जो है मैं यहाँ पर रीजन को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ से अपना जो भी रीजन है आप वहाँ से चेंज कर सकते हो। कोई भी आप लोगों को यहाँ पर दिक्कत वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखिए फाइनली अपना ये सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो देख सकते हो यहाँ पर अभी 88-89 का पिंग अपने को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। मैंने यहाँ पर मार्क करके दिखा दिया आप लोगों को, ओके। तो यहाँ पर दोस्तों मैप वगैरह भी मतलब सही है, तो मैं आप लोगों को वो भी डाउनलोड करके यहाँ से दिखाता हूँ। तो देखिए अनरैंक के अंदर अपना सारा कुछ है, और जो रैंक के अंदर है यहाँ पर अपना जो भी अभी इवेंट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो यहाँ पर चल रहा है अपना, ठीक है। दो एंसेंट सीक्रेट का यहाँ पर डाउनलोड के लिए भी दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं इसे जो है डाउनलोड भी यहाँ पर करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो देख लीजिए यहाँ पर डाउनलोड भी स्टार्ट हो चुका है, तो मैं फिलहाल इसे पॉज करता हूँ। तो आप यहाँ से डाउनलोड वगैरह भी कर सकते हो। यहाँ पर कोई भी वीपीएन कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अगर आप इसके थ्रू गेम प्ले वगैरह भी करते हो तो आपका यहाँ पर कोई भी लैग वगैरह मतलब पिंग हाई वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि नॉर्मल सा इसी तरीके से आप लोगों का जो है यहाँ पर गेम प्ले भी हो जाएगा, ठीक है। मतलब 70-60 के अराउंड अगर आप मोबाइल डेटा पर खेलते हो, वाईफाई पे खेलते हो, तो आपको जो है वहाँ पर 40 से लेकर 50 तक का पिंग तो नॉर्मल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यही था प्रोसेस जिससे कि आप लोग जो है यहाँ पर पीजीएमआई को मतलब पबजी मोबाइल को कम्प्लीटली यहाँ पर ग्लोबल वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हो अपने मोबाइल के अंदर, और गेम खेल सकते हो बिना वीपीएन का, ठीक है। तो यहाँ पर वीपीएन वगैरह नहीं हुआ है, सिर्फ हमें जो है यहाँ पर लॉगिन करने के लिए वीपीएन चाहिए। आप जब भी लॉगिन करो तो आपको वहाँ पर वीपीएन का ज़रूरत पड़ेगा। अगर आप वहाँ पर वीपीएन यूज नहीं करोगे तो आपका अकाउंट जो है वहाँ पर लॉगिन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बाकी दोस्तों यही था आज का वीडियो। तो बाकी आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता देना। तो मिलते हैं दोस्तों इस तरह के एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और चैनल।